रंग से मिल जाए रंग होली के रघुवीरा। होरी खेल रघुवीरा यावत ने होरी खेल रघुवीरा। हैप्पी होली बुजुर्ग भी ऐसे थे। आने वाले हमारे जो नौजवान यंग भाई है ये बच्चे हैं वो भी ऐसे ही मनाएंगे। तो एक खुशी का मौका है एक दूसरे को उनके ऊपर गुलाल फेंक करके अपना
खुशी जाहिर करते हैं, इसीलिए हम इस होली पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है कुल्लू? ये हमारा दो दिन का रिवाज है। वैसे तो एक महीना बसंत से लेकर के होली पर्व जो है वो मनाया जाता है। हमारे रघुनाथ मंदिर में बसंत जो उत्सव होता है उस दिन से ही होली जो है खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुल्लू में आम जो खास है वो दो दिन होली खेलते हैं, लेकिन मंदिर में पूरा 40 दिन जो है होली का उत्सव चला रहता है। तो क्या खास रहता है इस बार? युवा तो एंजॉय करते ही है, बुजुर्ग क्या करते हैं इस दिन खास? बुजुर्गों का काम है अपने बच्चों को आशीर्वाद देना कि इस परंपरा को जीवित रखें वो, इसलिए वो बुजुर्ग भी साथ रहते हैं होली के, ताकि आने वाली जो औलाद है वो इस परंपरा को निभा। पहले तो हम माता की या भोले बाबा की या श्री रघुनाथ जी की होली से ही शुरू करते हैं, बाकी उसके बाद गाए जाती हैं। जैसे होली का रघुनाथ जी का है तो रघुनाथ जी की होली है, अबध में फाग रे चोहे रे मेरा गला जाना नहीं चलता है माम। ये जो है हमारे कुल्लू में जो है होली दो दिन मनाई जाती है, और इसमें खास ये है कि यहाँ जब फाग हो जाती है तो उसके बाद होली नहीं होती है, ये हमारी एक परंपरा है। और बाकी जगह आप देखें कि पंजाब में देखें, दूसरी जगह देखें, तो वहाँ फाग जलाने के बाद होली शुरू होती है, और हमारी होली जो है यहाँ पर कुल्लू में फाग के बाद जो होली बंद हो जाती है, ये एक हमारी अपनी परंपरा है। और आज तो इतना अच्छा मौसम भी है, खूबसूरत मौसम है, और ये दो दिन ये कार्यक्रम चलता है। और जैसे पुराने समय से लेकर जो है कि हर एरिया जो है, सुल्तानपुर है, ढालपुर है, अखाड़ा है, ये सब यहाँ के लोग जो हैं अपनी पार्टियाँ निकालते हैं, बाजे गाजे के साथ जुलूस निकालते हैं, झंडा जो है इनके साथ होता है, और अपने अपने एरिया में होली खेलते हैं, फिर इकट्ठे होके जो है ये मंदिर रघुनाथ जी मंदिर की ओर जो है आते हैं शाम को, और रघुनाथ जी के साथ होली खेलते हैं, उसके बाद जो है राजा के साथ होली खेलते हैं, वहाँ पर जो है बेड़े में जाते हैं। वहाँ पहले ये होली इतनी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पानी खूब चलता था उसमें, और बड़ा मुकाबला हुआ करता था इधर जो बेड़े में आके जो है। अब थोड़ा पानी की जो है कमी हो गई है, गुलाल से जो है खूब अच्छी तरह से ये होली खेली जाती है। मैं पूरे प्रदेश को और कुल्लू ज़िला सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सर आज जैसे होली मनाई जा रही है कुल्लू में, एक दिन पहले मनाई जाती है, पहले खेलते हैं, होला होता है पंजाब में, जैसे वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, महाराज अमरिंदर सिंह जी को दायित्व तो सबसे पहले कि उन्होंने सरकार बनाई, उनका जन्मदिन भी था होला, वहाँ पर तो होली हम मनाते हैं। तो ये दो दिन चलती है, जैसे आज दूसरा दिन है और शाम को यहाँ भाग जलाएंगे होली दहन से, तो ये हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है। जैसे सब लोग आ रहे हैं जी, तो सबसे रात में कि होली मिलन होता है, होली खेलेंगे, शाम को जब यात्रा निकलेगी 7:30 बजे आज दो फागे जलेंगे, एक रघुनाथ जी बड़े रघुनाथ जी, एक छोटे रघुनाथ जी की, ये दो फागे जलेंगे और बैराग के साथ में आते हैं, पूरी जनता आती है। महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से सबकी शुभकामना देती हूँ कि ईश्वर करे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इस रंग में, ईश्वर के रंग में खुशियाँ उनके घर में आए। सभी से आप सबको होली की शुभकामना। जितने भी युवा साथी हैं पूरे प्रदेश भर में, कुल्लू ज़िला में, मैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और आज ये दिन ऐसा होता है जितने हमारे युवा होते हैं, खास उमंग होती है, उत्साह होता है, एक दूसरे के साथ मिलन होता है, खूब रंग का त्यौहार है, तो रंग के साथ हम सारे घुल मिल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा कि ये साल सबके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, और खूब सारे रंग उनकी ज़िंदगी। अनूठा सा यहाँ पे एक ये तरीका है होली बनाने का, क्योंकि यहाँ पे दो दिन होली मनाई जाती है, दो दिन के ऊपर यहाँ पे होली खेली जाती है, तो शायद हम एक दिन पहले शुरू कर देते, और अच्छी बात है ये कि पूरे हम देश में सबसे पहले हैं जो होली यहाँ पे खेलना शुरू करते हैं। अरे होली खेले रघुवीरा या वधू।
लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महाराज में पीरा या वध में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा या वध में होरी घर रघुवीरा, या होरी खेल रघुवीरा या वध में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा या वध में होरी घर रघुवीरा। और तलक दिनी दिखते कताल तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया। होली का त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास अभी आप देख सकते हैं कि अभी अपने घर के बाहर जो है बच्चों संग जो है होली खेल रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आज का होली का त्यौहार क्या है और एक दिन पहले होली क्यों होती है। ये कर दूँ बड़ा खेल रहा महाराज राज, ये कर दूँ इंजा हो इंजा हो इंजा हो, ये कर दूँ इतना कर दी। देखिए जी रघुनाथ के दिन आज शाम तक तो लोग आते रहेंगे, रघुनाथ जी को अपना शीश निभाएंगे, गुलाल फेंकेंगे। शाम के वक्त में 7 बजे के करीब जो भाग दहन होता है होलिका दहन, उस उत्सव के लिए रघुनाथ जी निकलते हैं और यहाँ मैदान तक प्रोसेशन आता है और फिर उसकी परिक्रमा करके होलिका दहन होता है। और फिर दोनों जगह एक छोटे मंदिर की एक बड़े मंदिर की है, यहीं से फिर वो होली का समापन हो जाता है। आज देखा जाता है देश में जैसे कल होली मनाई जाती है तो कुल्लू में आज एक दिन पहले मनाई जाती है, तो ये क्या कारण? नहीं, ये एक हिमाचल की जो छुट्टी होती है आम तौर पर ये होली की होती, ये मुझे नहीं लगता कि ये हिमाचल के हिसाब से चलता है, ये गजेटेड हॉलीडेज हैं। तो ये आज तो आनंदपुर साहब का होला होगा, कल होलिका दहन का दिन आज ही है। तो आज खासकर क्या क्या यहाँ रस्में निभाई जाती है भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में? और सुबह से तो जिन जिन को जाना है वो जाकर रघुनाथ के यहाँ शीश निभाते हैं, गुलाल फेंकते हैं श्रद्धा से, और फिर लौटकर सारे बाजार के भी चक्कर लगाते हैं। तो टोली आती है, जैसे रघुनाथपुर की टोली जो अलग है, अपर वार्ड की टोली अलग होती है अपर रघुनाथपुर की, इसी प्रकार से ढालपुर अखाड़ा जगह जगह से बाजे के साथ टोली में आकर रघुनाथ जी के यहाँ भी आते हैं, यहाँ हमारे घर भी। प्रथम तो सभी देशवासियों को और कुल्लू वालों को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुल्लू की होली की एक जो परंपरा है, एक अनूठी परंपरा है। देखिए जैसे बसंत जो था 1 फरवरी को हुआ, उसके बाद लगातार 40 दिन रघुनाथ जी के मंदिर में गुलाल फेंका जाता है और उसका समापन विधिवत रूप से मंदिर रघुनाथ जी के कल होगा। तो आज जो मंदिर में जो होली हो रही है, देखो कुल्लू के सभी लोग अपने ग्रुप पुराने ग्रुप में सारे जो आते हैं और टोलियों में आते हैं और भगवान से होली खेलते हैं, उसके बाद यहाँ पर थारा गल्लू के इसमें भी आके हमारे साथ सभी के साथ होली खेलते हैं। जो आपका प्रश्न था, क्योंकि ये अदंत से चला आ रहा है कि होली जलने के बाद कुल्लू में होली नहीं खेली जाती, ये यही नहीं, आपके जो आपका मंडी का क्षेत्र है, कांगड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी जहाँ तक मुझे मालूम है कि भाई होली जो है होली जलने के बाद नहीं खेलती। आज मंडी में भी होली हो रही होगी, आपके कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में होली हो रही है, तो इसके बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, किंतु यहाँ जो मान्यता है कि जैसे हम होली जला लेंगे उसके बाद होली नहीं खेलें। तो आज जो होली का मुहूर्त है, जो फाग है, रघुनाथ जी की जो सवारी है, वो 7:30 और 8:30 के बीच में, क्योंकि भद्रा ख़त्म है, मुहूर्त जो है 7:30 और 8:30 के बीच में, तो सायंकाल में रघुनाथ जी को मंदिर से सवारी के रूप में लाया जाएगा और 7:30 और 8:30 के बीच में होली का दहन। तो जैसे यहाँ पे होली का दहन होता है, जैसे फाग एक किस्म से जलाई जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करें, क्योंकि हम चाह रहे कि हमारे दर्शकों को पता लगे। फाग जो है ये विधि मुहूर्त देख के
हम होलाष्टक जब शुरू होते हैं, जैसे इस बार होलाष्टक 5 तारीख को शुरू, होलाष्टक का अर्थ है कि होला, और होली में फिर जो बैरागी समुदाय, जो भंत बैरागी समुदाय, वो रघुनाथ जी के पास रोज शाम को आते हैं और होली उनके साथ रघुनाथ जी खेलते हैं। तो जो ये होली है, ये जब मर्जी, ऐसा नहीं कि कभी भी उठा के रख दी जाए, इसका मुहूर्त होता है, समय निर्धारित किया जाता है। जैसे इस बार जो होलाष्टक, जैसे भेखल एक पेड़ होता है जो हमारे झाड़ी होती, तो उसका जो हरा भरा है उसको रखा जाता है मुहूर्त में पहले, उसके बाद मुहूर्त के हिसाब से देख के जो इसमें बीच में जो एक पताका जिसको ध्वज बोलते हैं उसको लाया जाता है, वो भी 2 आदमी जाएंगे, बिना खाए जाएंगे और उसको लाएंगे और उसको बाहर मंदिर में रखेंगे। उसके बाद फिर हम मुहूर्त देखते, जैसे इस बार जो मुहूर्त था कल 11 बजे से शुरू था, तो मुहूर्त में इसको खड़ा करेंगे और इसको विधिवत रूप से जो यहाँ की परंपरा है उसके अनुसार इसको खड़ा करेंगे, भगवान की नौबत आएगी, सब इसमें होगा और इसको खड़ा करेंगे। उसके बाद जो इसके जलाने का समय है वो भी निर्धारित है। फिर जो ये ध्वज है, ये जो ध्वजा है, ये बैरागी समुदाय जो है वो लोग इसको जलती हुई, इस बीच में से इसको जलने नहीं देना, वो इसको निकाल के ले जाएंगे और रामशिला में इसका ध्वजारोहण होगा, इस पर ध्वज चढ़ेगा रामशिला। तो हर वर्ष की बात थी, इस बार भी बैरागी लोग ही आएंगे और बैरागी लोगों का ये अधिकार है, वो ले जाएंगे। कल होगा मंदिर में, जो बैरागी लोग हैं वो कल लास्ट होली गाएंगे, भगवान को केसर का तिलक लगेगा और केसर डोल होगा, भगवान बाहर आएंगे कल 7:15 और 7:30 के बीच में। तो इन सब की बैरागियों की विदाई जो है वो कल विधिवत रूप से रघुनाथ जी की ओर से, राजा की ओर से, इनको जो भी है फगुआ लेके, जैसे आपने अगर होली सुन ना जाऊं फगुआ लिए बगैर, तो कल भगवान की तरफ से इन्हें फगुआ दिया जाएगा, इन्हें भगवान की तरफ से, राजा की तरफ से फगुआ दिया जाएगा। और कल सारा जो जितने भी बैरागी हो सब आएंगे, राजा की तरफ से उनको जलपान का व्यवस्था होगी। तो कल विधिवत रूप से लगभग 1-1.5 घंटे के उत्सव के बाद ये समापन है। होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा। हाँ, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारन में पीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सावरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सावरिया, चुनरी पे डारे अमीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डारे अमीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे Oh, yeah.
छोरी हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवां है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवां है बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया साची कहे है कबीरा यवध में होरी खेले रघुबीरा अरे साची कहे है कबीरा यवध में होरी खेले रघुबीरा अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुबीरा यवध में होरी खेले Yeah.
भगवान जी की, श्री ठाणा कल्लू जी की, श्री राजा जग सिंह जी की, श्री राजा विधि सिंह जी की, श्री राजा मान सिंह जी की, श्री राजा राज सिंह जी की, श्री राजा जय सिंह जी की, श्री राजा टेडी सिंह जी की, श्री राजा पद्म सिंह जी की, श्री राजा प्रीतम सिंह जी की, श्री राजा विक्रम सिंह जी की, श्री राजा रणजीत सिंह जी की, श्री राजा ठाकुर सिंह जी की, श्री राजा ज्ञान सिंह जी की, श्री राजा दिलीप सिंह जी की, श्री राजा मेघ सिंह जी की, श्री राजा भगवंत सिंह जी की, श्री राजा महेंद्र सिंह जी की, श्री राजा महेश्वर सिंह जी की, श्री राम कृष्ण देव की, राजा दशरथ Raja Bhagwan.
40 दिन तक चलती है। ये बसंत उत्सव से शुरू होती है। इसमें विशेषकर बैरागी समुदाय के लोग जो है वो शामिल होते हैं और 40 दिन वो हम होली घरों में गाते हैं पहले। बाकी विशेष रूप से जो 8 दिन जो है वो आस्तों के यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में हम अखाड़ा बाजार से रोज़ाना 6:30 बजे शाम को चलते हैं और यहाँ पर आकर के होलियाँ गाते हैं पुरानी और रघुनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस गाने से आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को, क्या मैसेज होता है इस ये चलता है? देखिए जैसे हमारी पुरानी प्रथाएं चली हैं, बुजुर्गों ने चलाई है, तो आगे भी नई पीढ़ी जो है हमारी दो होलियाँ सुन कर आगे जो ऐसे ही चालू रखें। तो आज होली का जो दिन है तो आज क्या होगा पूरा डिटेल में बताएं। आज अच्छा पहले तो पिछले कल के छोटी होली वाले दिन जो है हम कुल्लू से जीड़ी अपने ऊपर वारी जी महाराज के मंदिर गए सभी बैरागी 11:30 यहाँ से निकले और शाम को 7:30 बजे यहाँ मंदिर पर पहुँचे और उसके बाद पूजा अर्चना हुई। आज की होली का विशेष जो है आज बड़ी होली हम राजा के संग यहाँ पर खेलते हैं। राजा हमारे इंतजार करते हैं, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक होली नहीं। और इसके बाद होली खेलने के बाद हमें अपने हनुमान जी का मंदिर है यहाँ सुल्तानपुर में, वहाँ तक ये प्रेमपूर्वक हम आपको छोड़ने जाते हैं। और कल जो है और शाम को जो है आज फाग का आयोजन होगा 7:30 बजे के बाद पूर्णिमा के दिन। तो उसमें फाग में भी एक महत्व रहता है बैरागी परिवार का, उसके ऊपर भी थोड़ा विशेषता है। हाँ जी, फाग में जो है विशेषकर जो है बैरागी परिवार का यही इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसके हम पहले चक्कर लगाते हैं 3, उसके बाद जो ध्वजा खड़ी की होती है उसको खींचने के लिए ही बैरागी समुदायों के खाड़े बाजार और नेवड़ी के बैरागी उठे होकर के उसको बाहर निकालते हैं। और इसके बाद इस ध्वजा को निकाल कर हम अपने रामशिला में भी इसको ध्वजा का जैसे यहाँ जलाई जाती है वैसे। होरी खेले रघुबीरा यावध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यावध में होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यावध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यावध में होरी खेले रघुबीरा।
मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महाराज मैं वीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा। अट तलक तिनी दिखत कताल तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया। देखे है ऊपर से जाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से जाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है, बाहों में भर के मुझे जरा जन का दे पजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा जन का दे पजनिया। साची कहे है कबीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, अरे साची कहे है कबीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा। Keep going.
17 की सबको मुबारक। बैरागी समुदाय के लोग जो कि यहाँ अपनी पारंपरिक होली गायन यहाँ कर रहे थे, संपूर्ण बैरागी समुदाय के लोग होलाष्टकों से विशेष रूप से, वैसे तो ये कुल्लू में बसंत पंचमी से होली गायन शुरू हो जाता है, लेकिन होलाष्टक जो कि फागुन मास की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है, उसमें विशेष रूप से हमारे ये बैरागी समुदाय के लोग होली गायन करते हैं, जिसमें विशेष रूप से
होली से दो दिन पूर्व, दो दिन बड़ी मस्ती से होली खेलते हैं, और आज ये होली का ये प्रेम और सौहार्द का पर्व हम सब ने इकट्ठे मिला है। ये पूरे अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हमारे बिरागी समुदाय के लोग हर घर में जाते हैं और ये होली गायन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये पूरी मंडली गाती हुई रघुनाथ मंदिर में जाएगी, वहाँ पर भी होली गायन करेगी। और आज पूर्णिमा के दिन, आज फाग के बाद ये होली का कुल्लू का जो परंपरा है वो आज होली गायन यहाँ समाप्त हो जाए। कस्तूरी मिश्रित मलोदयम ददामि श्रद्धायुक्तं गृहं गढ ध्वजा इदं कुमकुमं श्रीरामाय सांगाय परिवाराय सुयुद्धाय सुबानाय शक्तियुक्ताय नमः समर्पयामि। अक्तां दबलं देवा कुमकुमेन समन्विता खंडिते मनं तेषा गृहं पुष्पोत्तमम् इदं अस्तं श्रीरामाय सांगाय परिवाराय सुयुद्धाय सुबानाय शक्तियुक्ताय नमः समर्पयामि। ओम तुलसी कुं मंदा जाति परम पंकज कंदम कर्वी क्षत्रि कुसुमे सत्पत्रिके नीलाभुज वैभव पत्रे पुष्पमाले राघव इदं पुष्पम श्री रामाय सांगाय सपरिवाराय सुयुद्धाय सुमानाय सशक्ति युक्ताय नमः समर्पयामि। ओम वनस्पति रस दिव्य गोघृते च मनोरे दुपयम निर्मता देवा दित्यमया इदं धूपम श्री रामाय सांगाय सपरिवाराय सुयुद्धाय सुमानाय।
नारी को प्रेम की ज्योति जग में तुम ही जलाते ओ नैया के केवन हार जपू मैं तुम रोना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम तुम ही दया के सागर प्रभु जी तुम ही पालन हारे चैन तुम्ही से पाए बेकल मनवा सांज सकारे जो भी तुमरे आस लगाए जो भी तुमरे आस लगाए बने उसी के जय रघुनंदन जय सिया राम 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 हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जलाते ओ नैया के केवन हार जपू मैं तुम रोना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम आपके जितने भी दर्शक हैं और पूरे जो प्रदेशवासी हैं हिमाचल के मैं उनको दोबारा से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पूरे प्रदेश भर में और कुल्लू ज़िला में होली को मनाया गया। ये पिछले कल से इसकी शुरुआत हुई, आज इसका अंतिम दिन था और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ये ज़िले में और पूरे प्रदेश भर में मनाया गया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी यहाँ पर फाग जलाई गई, जो एक प्रथा है जैसे होली समाप्त होती है इसी रूप में इसको समाप्त किया जाता है, दो जगह फायर जलाई गई जैसे हमारी रीति है जैसे प्रथा है। ये इसको ऐसा माना जाता है कि जो इसकी सेक है और इसकी जो आग की लपटे हैं इसको सेक लेने से जो अपना साल है वो शुभ रहता है सुखमय रहता है। तो इसी वजह से आपने देखा भी पीछे जितने अभी आपने जो इस चैनल के माध्यम से देखे यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हुए इसी उम्मीद से इकट्ठे हुए कि सबको यहाँ पे सेक मिले और आशीर्वाद हेतु इनको ये यहाँ पे उसके दर्शक बने। ये जो हम लोग लेके जा रहे हैं ये सूप होती है और इसे हम घर पे रखते हैं, जैसे क्या बोलते हैं चावल आटा उसमें डालते हैं ताकि बरकत रहे। अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी खेले रघुवीरा हाँ हिल मिल आवे लोगन
लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महाराज में पीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा या होरी खेले रघुवीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा और तलक दिन दिख तक दाल तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा यवत में होली खेले रघुवीरा आपके पागलों से खेलो ना होरी हाँ हाँ ना खेला ना खेला होरी शब्द में उमरिया की थोरी हाय 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 चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा अरे साची कहे है कबीरा या वध में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुवीरा या वध में होरी खेले रघु